आका है बेचत फरमाते हैं, एक रोज मैं कमरे में बैठा हुआ था, घर के बाहर शोर गुल की आवाज आ रही थी। हमसाए का लड़का दरवाजे के सामने खेल रहा था। इसी दम एक फकीर आया और इस लड़के से बोला, जाओ अपने घर से कुछ मेरे लिए लाओ। लड़के ने फकीर को देखा और बोला, जाओ अपने माँ से ले लो। फकीर बोला, मेरी माँ नहीं है, तुम जाओ अपनी माँ से मांग कर लाओ। आकाए बहजत फरमाते हैं, मुझे इस गुफ्तगू से महसूस हुआ कि यह लड़का अपनी माँ पे इतना इत्मीनान रखता था कि समझता है कि जो कुछ चाहे अपनी माँ से हासिल कर सकता है। अगर हमें खुदा पे इतना इत्मीनान होता जितना इस लड़के को अपनी माँ पे इत्मीनान है, और हमें मालूम होता कि हम जो कुछ चाहें वो हमें अता करेगा, तो फिर हमारे सामने कोई मुश्किल बाकी ना रहती और हमारे सारे काम दुरुस्त हो जाते। इस बात को भी हमारे लिए कलीद करार पाना चाहिए कि हम अपने एतराफ़ व जवानब पे दिक्कत नज़र से काम लें, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कुछ तुम देखते हो इसमें तुम्हारे लिए पंद व नसीहत मौजूद है। इंशाअल्लाह खुदा तौफीक दे कि हम हज़रत वली असर अलैहिस्सलाम के महज़र को दर्क कर सकें और खुदा आकाए बहजत और दीगर बुजुर्गान दीन के वजूद को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की पनाह में हिफ्ज फरमाए। मोहम्मद रसूल अल्लाह।